नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कैसे इस प्लांट की रूट प्रूनिंग की है और ऊपर से भी कटिंग करी थी और कितने टाइम में ये प्लांट जो है इतना घना और बुशी बन पाया है। तो ये प्लांट मेरा फिलहाल लगा हुआ है 15 इंच के ग्रो बैग के अंदर। इससे पहले लगा हुआ था 14 इंच के गमले के अंदर, सीमेंट का गमला था और जड़ें इसकी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी तो वो गमला टूट गया था। फिर बाद में मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। तो एक प्लांट तो जो उसकी रूट्स है ना काफ़ी ज़्यादा टूट गई है, देखते हैं आगे ये चल पाता है कि नहीं। तो दो प्लांट लगे हुए थे इसके अंदर और दोनों ही मैं निकाल के वापस ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। तो ग्रो बैग के अंदर जो बेस में है ना, मैंने किचन वेस्ट डाल लिया है अपना और फिर ऊपर से जो मिट्टी है नॉर्मल वो डाल दी है। और आप ये मेरी पहले की भी मिट्टी देख सकते हैं जिसके अंदर की ये 3 साल से लगा हुआ था और बिल्कुल ही मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था इस मिट्टी के अंदर, केवल जो गार्डन सॉयल नॉर्मल मिट्टी होती है उसमें लगा हुआ था ये। और अभी भी मैंने इसको उसी मिट्टी में ही करके लगा दिया है, बस जो है ना नीचे किचन वेस्ट मैंने डाल दिया ताकि वो डिकम्पोज होता जाएगा और खाद बनती जाएगी इसके लिए। वैसे इस प्लांट को ना इतनी कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ना मैं जो किचन का वेस्ट रहता है, जो सब्ज़ी या चावल दाल वगैरह वॉश करते हैं, वो पानी मैं इसमें डालती रहती हूँ। और इसमें मैंने अच्छे से पानी डालने के बाद में वहीं रखे रहने दिया जहाँ पे प्लांट मेरा पहले से था। तो मैंने मार्च में किया था इसको रिपॉट और प्रूनिंग वगैरह, तो इतना पार्ट जो है मैंने इसका कट कर दिया है। तो जो ये ब्रांच कट की है ना, इसके अंदर देखिए ये कलियाँ बन रही हैं, तो ये फूल बन जाएंगी, फिर जो है फल बन जाएंगे 2-2.5 महीने के बाद में। तो हर ब्रांच के अंदर ना कलियाँ फल फूल बनते हैं इसमें। और अब 12 दिन के बाद में देखिए एक प्लांट का जो है उसमें फूल खिल चुके हैं अच्छे से, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर भी मतलब ग्रोथ है बट बहुत ही स्लो ग्रोथ है, वो मरा नहीं है, अभी भी ज़िंदा है। अब रिपोर्टिंग करने के 20 दिन के बाद में जो मेरा दूसरा प्लांट था ना जिसको मैंने कट नहीं किया था, तो अब मैंने उसको कट कर दिया है क्योंकि अब मुझे उसके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये अपडेट है 30 दिन के बाद का। देखिए दोनों जो हमारे प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से चल गए हैं, काफ़ी जो इनकी रूट्स है वो टूट गई थी, फिर भी ये प्लांट जो है बढ़िया से सर्वाइव कर गए हैं और अच्छी ग्रोथ दिखाई है और काफ़ी बुशी भी होता जा रहा है। और ये अपडेट है 40 दिन के बाद रिपोर्टिंग के, तो फल बन गए हैं। तो अब अपडेट है 3.5 महीने के बाद में, तो अब पक गए हमारे जो फल हैं, जो सीड कह लीजिए आप चाहें। अगर आपका प्लांट कोई कंटेनर में लगा हुआ है ना तो उसके अंदर फल फूल अगर आ रहे हैं तो आप उनको हटा दें, नहीं तो पौधे की ना सारी ताकत फल और फूल को बनाने में लगेगी बजाय कि वो ज़्यादा ब्रांचेस बनाए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हमेशा एक ब्रांच में ना सीड्स इसके बनने देती हूँ, क्योंकि किसी को अगर इसका प्लांट चाहिए होता है तो मैं उसको इसके सीड्स दे देती हूँ ग्रो करने के लिए। तो मैंने इस प्लांट को जब लगाया था तो जो पहले की मिट्टी थी उसी में ही लगा दिया था। देखिए कहीं से सीड इसमें बचा रहा होगा मिट्टी में, तो वो उग गया जो पहले वाले सीज़न का फ्रूट होगा। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि 2 प्लांट बहुत हैं इस ग्रो बैग में। और आप सोच रहे होंगे कि 2 प्लांट क्यों लगा रखे हैं मैंने, तो वो मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ये प्लांट मैंने ना सीड से ग्रो करे थे, 6 बीज थे मेरे पास जो मैंने इसमें लगाए थे। और इसके जो सीड्स हैं ना, अगर पूरा आप डीप करके अगर 1 इंच करके पूरा दबा देते हैं ना तो ये तब नहीं स्प्राउट होते हैं, इनको बस ऊपर ही रहने दीजिए और मिट्टी ऊपर से हल्की सी डाल दीजिए तब ये बहुत जल्दी स्प्राउटिंग करते हैं। तो 2 बीज जो मैंने ऐसे ऊपर ही रख दिए थे तो वो तो मेरे स्प्राउट हो गए ये वाले, और जो मैंने अंदर करके लगाए थे मिट्टी में 1 इंच करके तो वो मेरे स्प्राउट नहीं हुए, वो मेरा सीड खराब हो गया। तो फिर मेरे पास ऐसे 2 प्लांट हो गए, तो मेरा एक को फेंकने का मन नहीं करा तो फिर मैंने दोनों ही रख लिए। तो इसके और प्लांट्स मल्टीप्लाई करने का और प्रोपोगेट करने का बेस्ट तरीका ना यही है कि इसको ना सीड से ग्रो करें, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट्स तो निकलते नहीं हैं जिनको कि आप रूट डिवीजन करके सेपरेट करके अलग पौधा बना सकते हैं, और ना ही जो इसकी कटिंग है ना वो 100% तो वर्क करती नहीं है, बहुत ही मुश्किल है जो वर्क करे। तो बेस्ट मेथड है सीड से ग्रो करना, सीड ऐसा लेना है जो बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल पका हुआ बीज है, उसको आप लें और मिट्टी में डाल दें बस। और रही बात पानी की, तो आप इसमें ना पानी तभी डालें जब ऊपर की टॉप सॉइल ना आपको ड्राई लगी है तब पानी दें। बट अगर आपका जो गमला ना बढ़िया तरीके से ड्रेनेज सिस्टम उसमें बना हुआ है, मतलब फालतू का जो पानी है वो चला जाता है, ठहरा नहीं रहता गमले में, तो जब लगातार बारिश होती है ना उस टाइम पर गमलों में नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है, काफ़ी दिनों तक रहती है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें अगर नमी बनी रहेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है।
बल्कि बारिश के टाइम पे ही बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। और अगर आप कम पानी डालते हैं ना इस प्लांट में, तो ये प्लांट खुद ही बता देता है, सारी लीव्स जो है ना अपनी झुका देगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें पानी की कमी है और इसमें पानी दीजिए अच्छे से। इसकी जो रूट्स होती है ना वो काफ़ी गहरी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फैलती है, तो टाइम से ना इसकी रूट प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गमला तोड़ देगा जैसे कि मेरा टूटा है। इसकी जड़ों को हवा लग जाए या फिर टूट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, वो चीज़ इस प्लांट को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सही टाइम पे ही इसकी काट छाट करनी चाहिए, चाहे वो जड़ों की हो या फिर इसकी ब्रांचेस का हो। रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन बेस्ट रहता है प्रूनिंग के लिए। ये समर लविंग प्लांट है, तो विंटर के टाइम पे आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगी, सारे पत्ते झाड़ देता है तब, और न्यू ग्रोथ दिखाता है आपको फरवरी मार्च में। और रही बात पेस्ट अटैक की, तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, बस कैटरपिलर जाके इसकी जो पत्तियां है ना वो खाती है, तो उसके लिए आप बस पत्ती तोड़े और फेंक दें कैटरपिलर के साथ में। तो जहाँ पे मेरा प्लांट शुरू से ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको मुश्किल से एक दो घंटे की हल्की धूप जो सुबह की रहती है वो मिलती है बस। और अगर इसको पूरे दिन का धूप मिलता है ना, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि तब इसके जो पत्ते हैं ना वो पीले होने लग जाते हैं और फिर आपका प्लांट जो है वो हेल्दी भी नहीं लगता। और वैसे भी हमको यूज में इनके पत्ते ही लाने होते हैं, जिनके बेनिफिट जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेयर से हो। तो इसके पत्ते हरे भरे रहें और लश ग्रीन उनमें कलर रहे, तो उसको बनाए रखने के लिए केवल सुबह की हल्की फुल्की एक दो घंटे की धूप ही दें। इसको आप मिनिमम साइज के 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं और हफ्ते में एक बार गुड़ाई जरूर करें। इसके पत्तों को हम अपने इंडियन डिशेस में यूज तो करते हैं, बट साथ ही आपको सुबह ना दो तीन पत्ते खाली पेट इसके जरूर चबाने चाहिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। जरूर इसको ट्राई करना और खुद फर्क देखना आपके बॉडी के अंदर कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। तो ये औषधीय गुणों से भरा हुआ प्लांट जरूर लगाएं। आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।